सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग सबको, जय श्री राम। तो भाई, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 12:10 पे, क्योंकि अभी 12:05 पे मैं व्लॉग शेयर करने के लिए उठा था, ठीक है। बाकी उठने का मन नहीं था मेरा, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था, लेकिन व्लॉग के चक्कर में उठ गया, क्योंकि मैंने एक महीना मैंने ऐसे वेस्ट कर दिया अपना, एक महीना, क्योंकि मैं किसी डिप्रेशन में था, मतलब किसी के चक्कर में था मैं, बेमतलब तो मैंने एक महीना वहां वेस्ट कर दिया। उसके बारे में सोच सोच कर ये वो, तो मैंने कहा क्या हो गया, पूरी रात पड़ी रहती है, पूरी रात को सोच लेंगे उसके बारे में, सुबह से शाम व्लॉग बनाएंगे, फिर व्लॉग एडिट करेंगे, फिर डालेंगे उसके टाइम, उसके बारे में सोचना तो रात को सोच के रो लेंगे। बाकी भगवान से दुआ मांगो कि वो आ जाए यार वापस, मैं तो उसका वेट ही कर रहा हूँ। कल भी मुझे दिखी थी वो बहुत दिनों बाद। चलो मिलता हूँ अभी तुम्हें, नहा धो लूँ, ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर मिलूँगा, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम तो पढ़ना भी है, देखते हैं और देखते हैं कैसे क्या पढ़ना है और क्या नहीं। बाकी सबसे भी पूछेंगे कॉल करके कि किसने पढ़ा नहीं करा, और कॉल करने के लिए व्हाट्सअप कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म है, और अब रिचार्ज करवाऊँगा तो अलग ड्रामे है। दस बात सुनो, इससे बढ़िया सोच रहा हूँ रिचार्ज रहने ही दूँ, ना किसी को कॉल कर पाऊँगा ना आएगा, व्हाट्सअप कॉल ही ठीक है। बाकी मेरा 3 दिन के लिए इंस्टाग्राम बैन हो गया था, क्योंकि मेरी रील्स पे रिपोर्ट कर दी थी किसी ने, तो उसने बैन हो गया था 3-4 दिन के लिए। आज ऑन हुआ है सुबह सुबह, तो मैं ठीक खुश हूँ, मूड अपना ख़राब नहीं करना चाहता किसी और के चक्कर में। पहले ही मैंने पूरा एक महीना बर्बाद कर लिया, और यूट्यूब पे से मेरी जितना भी बढ़िया चल रहा था ना एनालिटिक्स, सारी ख़राब हो गई। वॉचिंग टाइम मेरा 400-500 चल रहा था, वो 50 पे आ गया। व्यूज़ मेरे 20-25 हज़ार रुपये चल रहे थे, वो मेरे 1 हज़ार रुपये आ गए। मैंने उसके चक्कर में अपना बहुत नुकसान कर लिया, अब नहीं करना चाहता मैं, अब मैं फोकस करूँगा तुम्हारे पे गाइस। ओके, अब एक हो गया और रेडी। गाने सुनते सुनते तुम्हारा भाई नारा था, और गाने का नाम है कदे कदे। होली होली टुट जांदा है तेरा, होली होली धूल मुड़ा जिंदगी जोड़ी बसदा है, तू धड़कन सी तारा विदिन जीना। तो भाई सब चलते हैं बाहर, ठीक है। आज मैं चूचू भाई के घर, और अभी तुम्हारा भाई चूचू भाई के लिए बनाएगा मसाले वाले चावल, मैगी मसाले वाले मैं खुद बनाऊंगा। अभी जा रहा हूँ दही मैगी मसाला लेने, फिर मिलते हैं तुम्हें, ठीक है। इतने चूचू भाई हमारे प्याज टमाटर सब काट के रखेंगे, फिर मैं इनको बना के खिलाऊंगा, ठीक है चूचू भाई। एकदम इसकी दही की डब्बी, एक मैगी मसाला, और एक पास वाला जीरा, जीरा 10 वाला है, खुला नहीं है क्या? जीरा 10 वाला पैकेट है, बस कितने वाला है? 10 वाला। एक 10 का एक ही तो आ रहा है शायद, कितना है? सब में एक ही हो, सारों में एक ही है, वही तो आगे से। काट लेना पैसे, हो चुकी है, ठीक है। ये टमाटर प्याज काट लिया, अब तुम्हारा भाई बनाने जा रहा है, ठीक है। अब चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं, और तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या बनाऊंगा, और फिर चूचू भाई से अपने रिव्यू लेंगे कैसा बन रहा है कैसा नहीं। तो गाइस
अब हम डाल चुके हैं कुकर में अभी जीरा, और पहले हमने डाला थोड़ा सा तेल जीरा, और अब उसमें डालने जा रहा हूँ मैं प्याज। ठीक है, प्याज जब तक ब्राउन नहीं होगी तब तक उसको भूनेंगे। और चूचू ने बहुत बड़ी बड़ी प्याज काट दी थी बेवकूफ ने, तो मुझे वो करना पड़ा। अगर तुम 2-3 दिनों के लिए बना रहे हो तो प्याज मान लो कि कितनी होनी चाहिए, प्याज होनी चाहिए तुम्हारी 3 प्याज डाल लो, जितनी प्याज डालोगे उतना स्वाद बनेगा तुम्हारा। ठीक है, फिर मैंने उसको ऐसे करा प्याज को, ये देखो गाइस, पता नहीं कि मैं तुम्हें दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं, मैंने कैमरा तो रख रखा है इधर अभी, पता नहीं दिख रहा हूं, अब दिख रहा हूं मैं तुम्हें अच्छे से। प्याज डाल रहा हूं मैं, अबे यार चूचू, अबे चमचा तो ये रहा। ठीक है, प्याज डाल दिया, अब उस प्याज को हम भूनेंगे। ठीक है, और जब तक ब्राउन ना हो जाए जब तक। मेरा चमचा, और तुम्हारा भाई बना रहा आज, दही भी इम्पोर्टेंट है, मैगी मसाला, थोड़ी सी अदरक, 1 लहसुन की गांठ, और 2 टमाटर, 2 टमाटर बहुत है, और जीरा, गरम मसाला, हल्दी, नमक और मिर्च। ठीक है, और बाकी अब मेरे से तो ऐसे बन नहीं रहा है, मैं तुम्हें बनाने के बाद मिलता हूँ गाइस। ठीक है भाई, यहाँ से एंगल बढ़िया आ रहा है गाइस, यहाँ से आ रहा है एंगल बढ़िया। डलेगा इसमें टमाटर, चूचू ने टमाटर ये सब मिक्स ही कर दिया बेवकूफ ने। भाई टमाटर अब डल चुके हैं उसमें। ठीक है भाई, टमाटर भी डाल दिया हमने, थोड़ा सा डालेंगे अब इसमें नमक, नमक 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 की डिब्बी थी छोटी सी, हाँ ये देखो छोटी वाली सी डाल देता नहीं, वही तो थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, हाँ बस। तो भाई तुम देख सकते हो कि तुम्हारा भाई किसी का बंदा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं एक बंदा बनने लायक नहीं हूँ, मतलब मैं बीए बनने लायक नहीं हूँ, सीधा हस्बैंड मटेरियल हूँ, तो अब मेरी सीधा शादी होगी जिससे भी होगी। ठीक है, ओए ओ ओ ओ ओ ओ ओ। चूचू कपड़ा देना यार कुकर पकड़ने के लिए, अच्छा ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया दिया। अब हम गाइस ये जो लहसुन और अदरक है ना, इसको वो कर लेंगे, इसको हम पेस्ट में कर लेंगे, कर लेंगे दो लहसुन और अदरक। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, पानी लेंगे हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी, मैं बना के
अब स्नैक उसको मतभेद इतने जनों को कहाँ से खिलाऊंगा मैं। यार गाइस थोड़ा सा पानी डालना था लेकिन मुझसे ज़्यादा डल गया तो एक गड़बड़ हो गई है। अब देखते हैं क्या करना है। बाकी मुझे पता है कैसे बनते हैं लेकिन मैं ट्राई फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मैं ऐसे वाले नहीं बनाता, मैं गर्म मसाले वाले बनाता हूँ। ठीक है चुचू भाई इधर आओ, एक काम करो पानी पी लेते हैं। देख सकते हो भाई कितना मेहनती हूँ मैं, पसीने पसीने में हो गया। चुचू इधर आओ भाई, डक्का वो चावल निकालो आप। चावल ये लो ना एक गिलास में निकालो। तेल की चावल नहीं है? तेल की चावल हाँ, तो इसी में तो स्वाद आता है भाई। घर पे मैं खुद ही बना के खाता हूँ चिमकी वाले, इसको कहते हैं बासमती का टुकड़ा। आधे गिलास निकालूंगा पूरा नहीं, ठीक है? ठीक है अब हम डाल रहे हैं गाइस मैगी मसाला। ठीक है यह है मैजिक मसाला, मैगी मसाला नहीं है, मैजिक मसाला। और अब मैं डाल दूंगा दही, मदर डेयरी की क्लासिक दही, जिससे आएगा इसमें गहरा स्वाद। ये एक दो तीन देख सकते हो भाई, मैंने पूरे एक कटोरी दही डाल दी। ओए हाथ जल गया। ठीक है भाई खत्म कर दी मैंने जितनी भी थी। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे बंद, क्योंकि अब थोड़ी देर है मसाला जब तक तेल ना छोड़ दे जब तक इसको पकाएंगे। पहले कुकर भी बंद हो गया और उस मसाले को थोड़ा पका लेते हैं और मिलते हैं जी तुमसे थोड़ी देर में गाइस। ओके ये देखो, तो गाइस अभी एक सीटी आई है और ये दूसरी पता नहीं आ रही है क्या हो रहा है। बाकी चावल टेस्ट करके देखेंगे, थोड़े से निकाल के बढ़िया लग रहा है खाने में तो। डर लग रहा मुझे, बाकी आप इसको प्लेट में निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है ले ना, अब बता खा के बता जल्दी, हल्के से खा के तो बता, खा के तो बता भाई। भाई बना लिए, अब कुकर से डाल लिए, अब हल्का सा गाना बंद कर। चुछ तू खाइयो सही है, खा के तो देख बताना। तू खा के देख, खा लिए मैंने, खा के देख मस्त बने देख लो भाई। अरे बंद कर इसको एक बार बंद कर। तो भाई तुम देख सकते हो तुम्हारा भाई पूरा हस्बैंड मटेरियल बन चुका है। ठीक है ऐसी, बाकी मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी मम्मी के लिए बनाऊंगा ये सारी चीजें और अपने लिए। अगर वो आएगी तो उसके लिए भी बना दूंगा, लेकिन पता नहीं वो वापस आएगी या नहीं आएगी, प्यार तो अभी भी उसी से करता हूँ। मिलते हैं तुम्हें खाने के बाद। तो गाइस अब मैं सोने जा रहा हूँ, टाइम हो गया 5:05 शाम के और अब मुझे आ रही है नींद क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ भाई कुकिंग करके। ठीक है और अब तुम्हें मिलते हैं 7 करीब, रात को 7-8 करीब। अब सोऊंगा थोड़ी देर क्योंकि पढ़ने से ना थोड़े दिमाग पे प्रेशर आ गया, तो
थके, इसलिए अब थोड़ी नींद भी ज़रूरी है, खा भी लिया और अब मैं जा रहा हूँ सोने, फिर देखता हूँ शाम को। फिर अभी अब हम मिलते हैं शाम को, लेट्स गो। तो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है मेरी दोबारा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं नीचे, थोड़ा घूमेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर घूमेंगे। पढ़ना भी ज़रूरी है भाई। तो भाई मेरे दो भाई अंकित अंकित निजामुद्दनिया और रवि कोरी बदमाश भाई हमारे भाई है दो कॉल पे। लो भाई बोलो कुछ, थ्री टू वन बोलो। जय तिगड़ा, जय तिगड़ा। तो भाई कल का भाई पढ़ लो, ठीक है। मैं भी पढ़ने ही जा रहा हूँ अब, और तुम भी पढ़ लो मेरे भाई, लाडले भाई अंकित भाई और रवि भाई, ठीक है। अंकित सलाहकार अपने भाई नकली, और हमारे यूपी 14 से रवि भाई, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट भाई दोनों भाइयों को, कल सुबह आ जाना 8:20 तक। तेरे को भी ऑल द बेस्ट भाई, ठीक है भाई। जय तिगड़म भाई। बाकी कल चलेंगे सीपी और एक आधी रील शूट मारेंगे और व्लॉग, ठीक है। डन है ना भाई, ओके है ना भाई। पलट ना जाए यार अंकित, यार लड़कियों के चक्कर में पलट जाता है यार। भाई अंकित तू पलट, चल ठीक है। ओए डन कर ले, अब हमारी डन है, ठीक है। रवि और मेरी तो डन है, तू बता दियो। भाई अगर तू नहीं गया ना, मैं और रवि तेरा फोन लेके चले जाएंगे, ठीक है अंकित भाई। ठीक है भाई, जय तिगड़म भाई। अब मैं लेमन सोडा पिला दूंगा, कचौड़ी तो सस्ती बात है यार। अबे हाँ हाँ कोई नहीं, ओके रिपोर्ट है। माजा पिला दूंगा वो वाली अंकित, वही 14 रुपए वाली माजा। बेकार लगती है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। लेमन सोडा पिलाती हूँ। लेमन सोडा पी लेंगे यार, तुम मेरे वहाँ पिलाया था। हाँ तुम मेरे भाई हो, तुम पी लेना लेमन सोडा, पी लेना तुम। ठीक है यार, पिंपल भी हो गया मेरे यार। राम राम भाई। मोटे सुअर ने इतनी तेज घूसा मारा है, इतनी तेज सुअर ने, देख लो जंगली सुअर। राम राम है, तीन चार चाटे मारे जा रहे हैं, पता तू कुछ कर लेगा उसको, बोलिए सुमित के। पूरी सप्लाई कर दे यहाँ से, यहाँ से पूरी डिगा ले, मोटे डिगा ले पूरी। निकल पहले बंदे ने दबोच लिया फिर मेरे को। कौन दबोच लेगा तुझे? आती जा शरीर लेगा। मैं बदमाश हूँ भाई, मेरे बहुत दुश्मन अकेला नहीं जाता मैं। एंडी है मेरे बहुत सारे, बालक के भी एंडी होंगे, मोटी बुद्धि है। ओए एम डार्लिंग कम, ओए इधर तो आ। अकेला के नहीं जाता गाइस, सुमित मेरे पीछे पड़ जाते हैं, ये जा नहीं रहा मुझे छोड़ने। मैं क्यों जाऊँ भाई, इसने मुझे क्या खिला दिया, क्या पिला दिया? मत जाना, जा रहा हूँ, चल रहा था बता। स्वीट लस्सी पिला दी, बढ़िया भैया। आ जा, चला दिया पक्की बात। लोग बोल, मैं इसको आज मीठी लस्सी पिलाऊंगा सरदार वाली, 10 रुपए वाली। बोल 10 रुपए वाली स्वीट लस्सी। तो चल ले यार, सर दर्द हो रहा मेरा। जा तू जा यार, मैं थक जाऊंगा यार, जा आज के व्लॉग को आते हैं एंड चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है गाइस।
और कमेंट करते करो भाई, अच्छा सा कुछ भी तुम लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते और देखते भी नहीं हो। बाकी भाई शेयर करते करो यार, अगर अच्छा लगे तो यार भाई अच्छा लगे तो शेयर करो, वरना कोई बात नहीं, लाइक भी मत करना अगर अच्छा ना लगे ब्लॉग। डिसलाइक कर दे करो भाई, डिसलाइक कर दो, लाइक नहीं कर सकते डिसलाइक कर दो भाई, लेकिन कमेंट तो कर दो कुछ, और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो।